गई डिलीट हो गई। भैया किसी को समझ में नहीं आया अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा सर। और फटाफट फुर्ती से करो, बोर्ड क्लीन करें। हाँ बोर्ड क्लीन करके हाँ करो ना, बोर्ड क्लीन करके और आईसी रिवॉल करके मेरे को पहले बताओगे। अरे लाइव लाइव वाला भी निकाल सर, लाइव भी है ना। अरे लाइव भी है तेरे पास? लाइव नहीं, लाइव भी आओ। और DSLR से ये जो वर्किंग बता रहा है DSLR से बता रहा बता दिए ये सीपीयू भी बना लेंगे ऐसे ही अपन। कैसा क्यों करे, क्यों इसको क्यों नुकसान बनाया अपन? अरे क्लियर ही आएगी उठाने पर, गलत तरीका ही नहीं हमारे पास, तो गलत उठेगा ही नहीं, क्यों जबरदस्ती करे? यहाँ पे रखूंगा और क्या करूंगा, कट करूंगा तो कट करने के बाद क्या आएगा मेरे को? अभी ये बाल का एक बार चेक से मैं उधर चबोगे इसमें बनेगा नहीं जैसा ये बनेगा, क्रॉस कर दो ये छोटी वाली, देखो देख देख पता ही रहो ना मैंने, ठीक है अपन यहाँ ही बनाना है, हमको एक लाइन छोड़ के बनाना है ना। एक लाइन छोड़ के बनाना है ना। अब यहाँ पे कट देखिए सर, ये मेरे पास 5 फ़ोन है जिसका भी मैंने पावर आईसी निकाला है, रिवॉल्विंग करने के बाद मैं इसे पेस्टेड करने जा रहा हूँ, ठीक है? और कहने मतलब अभी मैं इसे जस्ट चालू करता हूँ, ऑन करता हूँ। ऑन करके बताएंगे आप? ऑन करके जी सर, अभी सर 5 मिनट के अंदर अंदर। थैंक यू फॉर एसी टेलीकॉम। ये मेरा 4A मोबाइल है MI कंपनी का, जो क्रिस्टल आईसी है, जो मैं ऑन फोन में से एक अपना पावर आईसी निकाला हूँ, ऑन कर रिवॉल्विंग ऑनिंग कर रखा हूँ। अब इसको ऑन करूँगा, ऑन फोन में से निकाल कर रिवॉल्विंग कर ऑन करूँगा मैं, फिर दोबारा से फिर आपको दिखाऊँगा लाइव जी। हाँ मैं फ़ोन ऑन कर दिया हूँ। आज मेरा एशिया टेलीकॉम का 3रा दिन है। मैं एशिया टेलीकॉम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये 3रा दिन में मुझसे ऑन फोन में से पावर आईसी निकलवा कर डलवा रहे हैं, और इससे अच्छा हैंड स्टील कोई नहीं दे सकता है मुझे, क्योंकि 3रा दिन में ही इतना सारा करना बहुत मुश्किल काम है किसी के लिए भी। थैंक यू सर, मेरा एशिया टेलीकॉम का सारे सर का, देवेंद्र अग्रवाल सर का, MD सर का, सब सर का मेरी तरफ से दिल है तेज से थैंक यू। आज मेरा एशिया टेलीकॉम का 3रा दिन है, और ये मैं मैंने एक 4G हैंडसेट से चालू हैंडसेट से पावर आईसी निकाली है, जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से मैंने निकाल के अब इसको मैं माउंट लगाने वाला हूं और चालू करके दिखाऊंगा। और बस 5 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और बहुत ही अच्छी तरीके से सर ने सिखाया है, और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा हैंडसेट मैं चालू कर सकता हूँ, और बस मैं ये आईसी लगाने ही वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। 3रा दिन है और लाइट 4G सेट में और पावर आईसी निकल के लगा चुका हूँ, और ये 4G सेट में और मैं ऑन कर जाऊँगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू दीप सर।
आज मेरे पास 5A का 4G सेट है, ठीक है, पूरा चालू। मैं आज देख लीजिए पूरा 5A बोर्ड भी ठीक मेरे सामने पावर आईसी में निकाला हूँ, ठीक है। इसको मैं रिवॉल्व करके और हैंडसेट को लाइव चालू करके दिखाऊंगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आज मेरा तीसरा दिन है। आज मैंने 4G 5A सेट का पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व किया हूँ। ये देखिए सर, मैं आज इसको सर 10 से 15 मिनट के अंदर रिवॉल्व करके ऑन करके दिखाऊंगा ऑन साइड। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू सर। मैं आज लाइव 4G सेट हैंडसेट 4G चालू सेट से पावर निकाला हूँ, पावर आईसी निकाला हूँ। अभी इसको दोबारा से चालू करके दिखाऊंगा मैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। जी सर, आज हमारा तीसरा दिन है क्लास का और मैंने 4G हैंडसेट से पावर आईसी निकाल कर रिवेल करके दोबारा से लगा के सेट को ऑन करके दिखाना है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू सर। आज मेरा तीसरा दिन का क्लास है तो आज मैं एक 4G सैमसंग का एक 4G राइव सेट से पावर आईसी निकल रहा हूँ, निकाल के फिर बैठा के उसको साइड सेट को चालू करके दिखाने वाला हूँ। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू दीप से। तीसरा दिन का क्लास है और सर मैं एक 4G ऑन सेट से पावर आईसी निकाल कर उसको रिवाइलिंग करके दोबारा लगा के चालू करके दिखाऊंगा सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आज तीसरा दिन का क्लास है और मेरा ये MI का नोट 4 है, बिल्कुल चालू है, मैं यूज़ करता हूँ इसको। देखो, और मैं इसको आईसी का रिवॉल्व कर चुका हूँ पावर आईसी को और निकल के रिवॉल्व कर सकता हूँ और मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। मेरा तीसरा दिन है, मैं आज इस हैंडसेट से पावर आईसी निकाल कर फिर से लगा कर चालू करके दिखाने वाला हूँ। और आज थैंक यू दिया सर और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आज मेरा तीसरा दिन का क्लास है, मेरे पास ये 5G MI का 5A सेट है और इसमें मैं ऑन मोबाइल से पावर आईसी निकाला हूँ और कुछ ही देर में मैं इसे फिर से दोबारा सेट करके दिखाऊंगा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू देव सर। थैंक यू। जी सर, आज मेरा तीसरा दिन है एशिया टेलीकॉम में। आज हम लोग ने लाइव पावर निकाली 4G सेट की, तो अभी हम लोग ने पावर निकाल के एक वीडियो बनाई थी और दूसरी वीडियो ये सेट ऑन करके दिखा रहा हूँ मैं। तो इससे एशिया टेलीकॉम से बहुत 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 ट्रेक मिली मेरे को, कभी ऐसा नॉलेज नहीं थी लेकिन बट अभी हम लोग वन टाइम में करके दिखा रहा हूँ टच विथ फुल वर्किंग कंडीशन। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आज मैंने हैंडसेट 4G हैंडसेट से एक पावर आईसी चालू सेट से पावर आईसी निकाल के उसे दोबारा निकाल लगा के चालू किया है और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ और मैं हर बार अब पावर आईसी निकाल के लगा सकता हूँ। कोई भी आईसी हो मैं तो 5 मिनट में लगा सकता हूँ। यहाँ इसे टेलीकॉम की टेक्निक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे यहाँ अच्छे तरीके से सिखाते हैं हमारे देव सर, हमारे MD सर बहुत अच्छे टीचर हैं। मैं बहुत ही थैंकफुल इनका और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम।
एशिया टेलीकॉम में मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं आईसी निकालकर रिवॉल्विंग करके दिखाया था, अब मैं उस फ़ोन को आईसी लगाकर ऑन करके दिखा रहा हूँ। मैं जो फ़ोन अब चालू हो रहा है, मैंने पावर निकाल कर लगाया था, जो अपने हैंड स्टील से जो सर ने बताया था प्रैक्टिकल में, उसी हिसाब से मैंने काम किया, प्रोटोकॉल शो किया, मेरा टच भी चल रहा है, ओके है सब चीज़। मेरा मैंने टच का सर पत्ता नहीं लगाया हूँ सर, टच का मैंने पत्ता नहीं लगाया, टच इसीलिए नहीं चल रहा, बाकी मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। मैं पहले से इसको एक बार 4G सैमसंग का 4G सेट से चालू सेट से मैं पावर आईसी उठा के इसको रिबोर्ड करके फिर बैठाया तो चालू हो गया सेट इसको। तो मैं पहले कभी भी इसको मतलब आईसी का काम नहीं किया था, आज ही ऐसे फर्स्ट टाइम किया हूँ, लेकिन फर्स्ट बार में सक्सेस हो गया। एशिया टेलीकॉम का जो ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स का वजह से मैं इसका पहले के बहुत बार कोशिश किया लेकिन ये नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 दिन का क्लास में आके इतना ट्रिक्स मिला, ट्रिक्स का वजह से मेरा आज फ़ोन चालू कर पाया, उठा के चालू फ़ोन से उठा के फिर चालू कर पाया फ़ोन को। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू MD सर। आज क्लास में मेरा तीसरा दिन है जिसमें कि मैं, ये मेरे पास 5 मोबाइल है, ऑन मोबाइल का पावर आईसी निकाल के रिवॉल्विंग करके मैं दोबारा लगाया हूँ और दोबारा मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम ट्रिक, थैंक यू। आज मेरा एशिया टेलीकॉम में तीसरा दिन है, मैंने आज से पहले कभी पावर नहीं लगा था, देखो मेरा आदमी 4G हैंडसेट है, इसका मैंने पावर निकाला, फर्स्ट टाइम पावर निकाला, और डी सर के वो MD सर के उससे मैंने पहली बार लगाया और देखो पहली बार मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। इसी दिन का क्लास था और मेरा ये MI का Note 4 है, ये मेरा ऑन था, चालू फोन था मेरा, और मैं इसको आईसी का जो पावर आईसी है उसको मैं उठाया, फिर से रिवॉल्व किया और फिर से लगा दिया, और देखिए मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। और MD सर के टेक्निक की वजह से मैंने पहले ऐसे नहीं किया था, कभी भी ऐसे पावर आईसी का रिवॉल्व करके नहीं लगाया था, पहली बार इसको लगाया और MD सर के टेक्निक से, और ऑन फोन ऑन भी हो गया। और थैंक यू एशिया टेलीकॉम, और थैंक यू देव सर, थैंक यू MD सर। मैंने कुछ देर पहले लाइव आया था जिसमें MI के 5 फोन से पावर आईसी निकाल के रिकॉल किया था, अभी मैं फिर से उसे ऑन करके दिखा रहा हूँ। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। फोन का ट्रिक कैसा है? ट्रिक कैसा? यहाँ का ट्रिक बहुत ही अच्छा है, एक ट्रिक में मैंने फ़ोन चालू कर लिया वन टाइम में पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार पावर आईसी फोन की फिर से रिकॉल करके लगाया हूँ और फोन एक बार में ही चालू। अच्छा, थैंक यू। मैं बिलाई से आया हूँ, आज थर्ड डे था एशिया टेलीकॉम में, आज हमने पावर आईसी निकाल करके रिवॉल्व करके वापस में लगाई है सर, और फोन वापस चालू है मेरा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। यहाँ का ट्रिक कैसा है? एशिया टेलीकॉम का ट्रिक कैसा है? यहाँ के ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सर, मैंने वन टाइम रिवॉल्व किया, वन टाइम लगाया सर, वन टाइम में चालू हो गया मेरा फ़ोन। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, बहुत अच्छा लगा सर। बोलिए। क्लास का तीसरा दिन था और हम लोग ने पावर आईसी 4G हैंडसेट से, चालू हैंडसेट से हम लोग पावर आईसी निकाला और डाला रिवॉल्व करके, और इसमें चालू है। एशिया टेलीकॉम का टिप्स था सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। तीसरा क्लास और मैं 4G हैंडसेट से पावर आईसी निकाला, फिर से रिवॉल्व करके फिर से माउंट किया, फिर एक बार में चालू हो गया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, सलाम देव सर। MI का 5A मोबाइल से मैंने पावर आईसी निकाला, उसके बाद से जिस ट्रिक से बताया गया उस ट्रिक से निकाला, उसके बाद से मैंने अच्छे तरह से फिक्स किया और मोबाइल फिर से ऑन है, चालू है। तो सब थैंक यू सर, और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। बैटरी अच्छे से लगाई, बैटरी अच्छी लगाई। बैटरी चार्जिंग में लगाओ।
आज हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है और मेरे पास ही रेडमी का 5A सेट 4G सेट था जो कि आन था हमने आन बोर्ड से पावर आईसी को निकाला और निकाल करके उसे रिवॉल्व किया, रिवॉल्व करके फिर से उसे वापस लगाया, जो कि हमें यहाँ पे MD सर के द्वारा जो ट्रिक दिया गया था उसी के द्वारा हमने इसे निकाल के वापस फिर दोबारा लगाया, जिससे सेट मेरा फिर दोबारा ऑन हो गया। इसके लिए हम एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद देते हैं। हेलो सर, आज हमारा तीसरा दिन था। आज हमने चालू मोबाइल में से पावर ऐसे निकाल के वापस से लगाया। MD सर के ट्रिक से ये हमारा सक्सेस हो गया। ये देखिए, चालू फ़ोन से पावर ऐसे निकाल के हमने वापस से लगाया, माउंट रिमाउंट किया है इसे। हैंडसेट अभी हमारा चालू है। यहाँ की बताई गई ट्रिक से ये सक्सेसफुल हुआ है। थैंक यू एसर टेलीकॉम, थैंक यू देव सर और थैंक यू MD सर। পাওয়ার আইসি খুলে চালু করে পাওয়ার আইসি খুলে করে আবার আবার দুবার নতুন করে আবার অন করে দিয়েছি। অন করে পাওয়ার আইসি খুলে আজ তিন দিনে পাওয়ার আইসি আমি যে কোনো মোবাইলের পাওয়ার আইসি দিলে অন বোর্ডে আমি চালু করে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ এসিয়া টেলিকম, থ্যাংক ইউ দেব স্যার, থ্যাংক ইউ MD স্যার। 12 লিখো। 12 सर। 13 14 15 16 17 18 20 9 9 अरे नहीं रे, गलत गिनना। हिंदी में गिन आराम से। 67 68 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 93 मिलेगा। अब देखो, अब मेरे को देखो, तो टाइप 2 1 हो चुका है, अब 2 की बात करेंगे। तो टाइप 2, हाउ टू रीड बॉल आईसी टाइप 2। चले देखे, तो पहले मैं यहां दिखा दूं, फिर वहां हम किसको गिनेंगे, हम इसको गिनेंगे। सब लोग कान दो इधर, ये छोटे वाले, और इसमें इमेंसी को भी गिनेंगे। किसमें गिनेंगे बताओ? इमेंसी। हाँ, इस बार अपन इमेंसी को गिनेंगे और एक बहुत अच्छा नॉलेज उठाएंगे, इस आईसी को पूरा गिनेंगे। तो अपन अभी छोटी आईसी को गिनते हैं ताकि छोटी आईसी में क्लियरिटी जल्दी हो जाए। तो अपन इस आईसी को गिनते हैं। तो ये नोज का पॉइंट इसका यहां पर है। हेलो, ये नोज का पॉइंट है, तो नीचे रखना है। अब चलो, तो टाइप 2 में क्या हो रहा है, अपन पहले इसका डाटा सीट निकालते हैं। चलो सब लोग देखो इसका डाटा सीट। तो यहाँ पर बोल आईसी को गिन रहे हैं। आप थोड़ा सा वहां दिखाइए, तो आप देखो डाटा सीट को दिखाइए आप थोड़ा सा। तो डाटा सीट आपकी कैसी दिख रही है, आप जल्दी बताइए। टाइप 2 मतलब अल्फा न्यूमेरिक, कैसी दिख रही है बताओ। आप देखो इधर, तो नोज कट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, उल्टा क्या चलाना है, और सीधा। अब ये पूरा क्या हो गया, ये बी। हाँ, इसको मैं और सरल करूंगा और आपको इससे भी सरल दूंगा अभी ही करके, 2 मिनट के अंदर। पहले ये शुरुआत इससे करेंगे। अब ये पूरा क्या हो गया, तो इधर क्या नहीं है, C1 मतलब सर्किट में C1 नहीं है, पर हम उसको गिनेंगे। हेलो, CPU खरीदे, और ये ब्लैंक CPU है, हमने CPU उसी के खरीदे जिससे हमें पैसा मिल सकता है। yes, हम जानते हैं कि अगर इस बोर्ड की कीमत है तो ही CPU लगाएंगे। yes, अगर नहीं तो ये बोर्ड ही पूरा अगर 4-5 हजार में आ रहा है तो क्या मतलब। yes, टाइम और CPU और फिर सिक्योरिटी बनाओ अलग। हेलो, हमें पता था कि पोको S3 में हमें कोई आराम से 3,000 3,500 4,000 भी दे सकता है। yes, हाँ, तो हम ये बना सकते हैं क्योंकि अभी भी उसकी वैल्यू 10-20 हजार के ऊपर है। तो ये पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगा, पर मैं आज बहुत अच्छे से समझ गया कि कॉलकॉम ने सब पावर कितनी बनाई है। मेरी बात सुनना, कॉलकॉम ने सब पावर, अभी तक सब पावर हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर DC to DC IC। बोलो DC IC। चलो मैं ये लिख भी देता हूँ क्या क्या। तो
मैं बोलता हूँ सब पावर उसको बोला जाता है जिसके अंदर कौन सी ऐसी है, प्लस जिसके अंदर चार्जिंग ऐसी है। बोलो मेन आरएफआईसी, बोलो मेन आरएफआईसी। तो दो है, कितनी है? हाँ, और पुराने और अपग्रेड मॉडल में, तो पुराने मॉडल में WTR, बोलो WTR, और अपग्रेड मॉडल में SDR। देखो फोटो खींचो इसका, फिर यहां से फिर वहां पर दिखाता हूँ। तो WTR जैसे मैं अपग्रेड 3925, ये हमारे ओप्पो में लगी होती है, और 2965 तो रैंडमली सब में होती ही होती है। तो एक इसका फोटो खींचो, ये देखो WTR ऐसा लिखा होगा WTR करके, तो ये IC की कोडिंग है, इसको पहचानना जरूरी है। और एक है आपका SDR, तो ये SDR, ये सबसे, ये फोटो मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले 11 बजे से पहले आपको क्या ये बोर्ड का नॉलेज था जो अब मिला है? तो बेटा अब मैं आज आप में कितना अंतर है? हेलो बिलीव करते हैं बात कि आप ये क्लास कभी भी कि यूट्यूब से समझ सकते थे क्या? आज इतनी दूर मेहनत करके एक सोच लेके आए कि हम सीखेंगे, तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही सब सीखना था ना, कि बोर्ड को आइडेंटिफाई कर सके, आईसीयू को पढ़ सके, है ना, आईसी रिबॉल आईसी निकाल के लगा सके और सर्किट समझ सके। हेलो, तो आज तीसरा दिन है, कोई बहुत चौथा पांचवा छठवा दिन नहीं, और तीसरा दिन में आपने डुअल ब्रेकर रिबॉल कर लिया, एमएमसी रिबॉल कर ली, आज आपने लाइव पावर किस किस ने लगाया, तीन को छोड़ के, क्योंकि तीन ने अभी लगाना है ना, क्योंकि मेरी क्लास हो गई थी, है ना, किस किस ने लगाया लाइव पावर अभी? आप चलो, आपने आप सुबह लगाया, चलो मैं मानता हूँ किसी ने टुक्के से लगा दिया, मान लो बोल लेते हैं लाइव में, शाम को तो टुक्का नहीं लगेगा, शाम को कौन कौन निकाल के लगाने वाला है, और इस बार पैड कौन कौन गिनने वाला है, बॉल आईसी लैग आईसी मेन पावर कौन कौन पहचान सकता है? अगर मान लो एक बोर्ड में PMI है, एक बोर्ड में PMA है, PMA के बाद एक बोर्ड में PM है और PMX है, तो मुझे कौन बता सकता है कि सब पावर कौन सी है? आई, हेलो, मेन बग सब कौन कौन बता सकता है? और डुअल लेयर सिंगल लेयर एमएमसी रैम कौन कौन बता सकता है? तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज मैं हमने आईसी का पैड बनाकर बताए हैं सर ने ऑडियो सेक्शन के बारे में, जो इस रिसीवर के बारे में, जो 92-93 लाइंस हमारे रिसीवर पॉइंट के होती है, जो GR चेक करने के लिए, GR चेक करें आप, वोल्टेज चेक करें, कैसे चेक करें, अगर हमारे बीच में लाइन ब्रेक हो जाती है, आईसी से लाइन ब्रेक हो जाती है पैड के पास से, तो हम कैसे सप्लाई बनाएं, इसको चेक करके बताएं। और सर ने आज हमें बहुत आसान तरीका आईसी का पैड बनाना कॉपियों में सिखाया, जिसमें रजिस्टर में हम आसान तरीके से पैड बना देंगे और लाइन भी गिन लेंगे कि कितने लाइन पर और पैड पर हमारी सप्लाई आती है। थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, और देवेंद्र सर को भी थैंक यू, सारे सरों को, मिलन सर के, सब सर को की भी मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। कैसे किस 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 कैसे पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने कैसे किया कि ईयर स्पीकर कहाँ से किस जगह गया है, क्या 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 लगा हुआ है, कैसे यहाँ कितना वोल्ट आता है, सब उन्होंने पढ़ा है। उसके बाद से उन्होंने कैसे डायग्राम बनाया कि खोज कर कैसे पता करें कि कहाँ से कहाँ गया है, और इसलिए थैंक यू देव सर और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। आईसी की ट्रेसिंग करना सीखा है, ट्रेसिंग में अगर कोई पिन रिसीवर का ऑडियो कम नहीं, ग्राफिक बना है, और इसके रिसीवर अगर ट्रैक कट जाता है तो रिसीवर से ट्रैक कैसे करते हैं, उस चीज़ को बहुत सारे ने डायग्राम बना के उसके सिखाया है। 8937 ये आईसी है, इससे 93 और 92 इसकी प्रिंट है, उसको हमने डायग्राम के अनुसार सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमको आसानी तरीके से सिखाया है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर। सर्किट डायग्राम अपने हाथों से बनाया है, बिना किसी सर्किट डायग्राम के हमने स्पीकर की पूरी लाइनें चेक करके, जो कि आईसी से स्पीकर से लेकर आईसी तक लगी हुई थी, और हमने बिना सर्किट डायग्राम के उसे चेक करना सीखा और उसे ढूंढा और उसे पूरा बनाया है, और हमने पूरी वैल्यू यहां से स्पीकर से आईसी तक की पूरी चेक की है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी सरों का। हमारी ऑडियो की क्लास थी, आज हमने ट्रेस किया कि ऑडियो आईसी के नीचे
कितने पैड्स होते हैं, ऑडियो आईसी के नीचे कितनी बॉल्स होती है, उन्हें कैसे चेक करते हैं। आज हमने ऑडियो आईसी 8937 निकाला जिसके नीचे कितनी बॉल होती है वो काउंटिंग किया और उससे हमने स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसे ट्रेस किया। इसके लिए थैंक यू एसर टेलीकॉम, थैंक यू देव सर और थैंक यू एमडी सर। जी आज हमने पावर आईसी की पैड लाइंस को पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, जो सर ने टिक दिया उससे, और जो हमारी पावर सेक्शन और ऑडियो सेक्शन की जो हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही थी वो हमने स्पीकर की सप्लाई पैड लाइन से यानी आईसी से चेक की। जैसे कि इसके कैपेसिटर इन पर सब पे सप्लाई आ रही थी लेकिन फिर भी ये नहीं चल पा रहा था, तो इसकी पीएम 8937 आईसी से इसको पैड लाइन को चेक किया और इसको अभी सप्लाई भी आ रहा है। मैं अब इसको बहुत कम समय में चेक करके बता सकता हूँ। थैंक यू एसी टेलीकॉम, धन्यवाद। सुबह के समय 8937 MI5 पावर आईसी रिवॉल किए, डेड फोन था, डेड फोन को रिस्टार्ट किए पावर आईसी अपडेट करके, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो उसकी रिसीवर की लाइनें होती हैं जैसे कि ये, इसकी वैल्यू चेक करी डायरेक्ट आईसी से, यहाँ तक सप्लाई कहाँ से लाइन कैसे होती है क्या होता है सारा कुछ इसके बारे में नॉलेज मिली है वो। और बाकी जैसे कि उसी के ऊपर हमने ये डायग्राम तैयार किया है आईसी को देखते हुए, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सप्लाई होती हैं और ऐसे ऐसे कहने मतलब जो है कि रिसीवर हमारा वर्क करता है पावर आईसी से मेंटेन होकर, ठीक है। थैंक यू एसी टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू देव सर। सुबह में पावर आईसी की डेट शीट बनाई सर, और डेट शीट में हम लोग को पता चला सर पावर आईडियो ऑडियो सेक्शन की लाइन हम लोग चेक की सर, ऑडियो सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो और लाइन मिक्स हो तो लोग पावर आईसी से कैसे डेट शीट के हिसाब से इसकी लाइनें जंपर मार सकते हैं सर। थैंक यू एसी टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। हमने जो आईसी का पैड के बारे में पढ़ा है सर, देव सर ने आईसी के पैड में बारे में पढ़ा है और हमारे कैसे टेस्ट करते हैं और पैड लाइन पैड कैसे चेक करते हैं ट्रेसिंग करते हैं वो सब बताए। फिर से हमने जो पीएम 8937 जो पावर आईसी है उसमें ऑडियो सेक्शन इंक्लूड है और इस ऑडियो सेक्शन का जो लाइन हमें टेस्ट ट्रेस किए, जो किसी प्रकार लाइन होता है उसको हमने ट्रेस किया कैसे उसको पीसीबी में ट्रेस करते हैं ट्रेस किया और बहुत अच्छे तरीके से समझाए सर ने। और थैंक यू एसर टेलीकॉम, थैंक यू। पावर आईसी ऑन बोर्ड पे निकाल के लगाए हैं, फिर उसके बाद बोर्ड में पावर आईसी का पैड अगर मिस हो जाए, उसकी लाइन ब्रेक हो जाए तो कैसे उसे ट्रेस करते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, कैसे चेकिंग करते हैं, इसके बारे में आज हमने प्रैक्टिकल किया जो कि हमें एमडी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और हमने आज पीएम 8937 पावर आईसी जिसमें कि ऑडियो आईसी इंक्लूड होती है उसका स्पीकर का लाइन ट्रेस करके चेक किया और उसका लाइन ब्रेक को हमने पैड आईसी के नीचे से पैड लाइन चेक करके उसे बनाया भी जिससे कि मेरा फॉल्ट सही हुआ। थैंक यू एशिया टेलीकॉम और थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। अच्छा ये आईसी का पैड लाइन के बारे में जैसे समझाया गया, सुबह से पावर आईसी का उठा गए चालू सेट से, फिर रिबोर्ड किया था, रिबोर्ड करके बैठाया था, सेट चालू किया था, फिर वही सेट का पैड लाइन में क्या क्या मेरा अच्छे ऑडियो सेक्शन ऑडियो आईसी का इंक्लूड है, तो ऑडियो आईसी में अच्छे अपना ईयर स्पीकर का रिसीवर का अच्छे पैड लाइन है, तो वो ऑडियो आईसी का बीच से जो कोई लाइन ब्रेक हो जाता है तो उसको कैसे अच्छे हम लोग अच्छे पैड लाइन से उसको अच्छे ये बना के पैड लाइन बना के उसको कैसे अच्छे चालू करते हैं वही बारे में एमडी सर ने बताया, तो उसी हिसाब से काम किया हम लोग, ट्रेस किया तो उसी हिसाब से काम सक्सेस हुआ, तो ये जानकारी हम लोगों को मालूम नहीं था, आज मिल रहा है एमडी सर ने जैसे बताया उसी हिसाब से ट्रेस किया तो उसी हिसाब से सक्सेस हुआ मिल रहा है। थैंक यू एसी टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। डायग्राम है बोर्ड में पावर आईसी का, डायग्राम कैसे बनाता है वो सीखा और कई पैड
मैंने निकल हुआ तो कैसे आईसी क्या है अंदर से ड्रेसिंग करना है और सब कुछ सीखा आज। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव। आज एशिया टेलीकॉम में सुबह से, मैं शुभम आगरा से, आज एशिया टेलीकॉम में सुबह से चालू फ़ोन में पावर आईसी लगाई है। उसके बाद में अब मैन ट्रेसिंग जो अंडरग्राउंड जो लेयर की जो ट्रेसिंग होती है वो निकाल करके आज बनाना सीखी है। ये इसका डायग्राम है और क्या बोलते हैं इसे स्पीकर, इसका स्पीकर की वैल्यू निकाल करके आगे निकाली। मतलब ये है कि स्पीकर से मतलब नहीं है, सारी ट्रेसिंग इसी में आ जाएगी, इसी चार्ट में आ जाएगी हर मॉडल की। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। ये हम लोगों ने पावर हमारे फ़ोन में ईयर 5A फ़ोन है, ईयर स्पीकर दिक्कत था इसमें और तो सप्लाई नहीं आ रही थी। हम लोग ने आज इसका ट्रेसिंग किया तो इसकी सप्लाई जो है पावर आईसी जा रही थी, पावर आईसी सप्लाई जा रही थी और तो सप्लाई अंदर नहीं आ रही थी इसकी। तो हम लोगों ने इसका पावर आईसी निकाल के फिर उसको डायग्राम द्वारा चेक किया तो उसके बाद हम लोग इसको काम ओके किए। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। पावर सप्लाई ऐसे निकला फिर रिबोल करके लगा गया, सेट ऑन हो गया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। चौथा दिन का क्लास है और मैं आज ऑन फोन से सीपीयू पावर आईसी खोल के फिर से लगाया और मैंने चालू कर दिया है सुबह में और आज शाम में। डाटा सीट की छवी क्लास हुई थी जिसमें मैंने ट्रेसिंग करने का तरीका सीखा है और मैंने रिंगल का आज ट्रेस किया है डाटा सीट के द्वारा। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। मेरा नाम रितेश है और आज हमने रेडमी 5A का जो PM8937 है उसको निकाल के वापस लगाया और उससे पूरी लाइन ट्रेस की। इसमें क्या ऑडियो का फॉल्ट था तो लाइन ट्रेस पे जो पिन जो आईसी की जो बॉल थी 92 और 93 उससे इसकी सप्लाई गई थी तो वहाँ से इसको ट्रेस किया गया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हम लोगों ने लाइव पावर निकाली जैसा कि हम लोग की सुबह वीडियो बनी थी। ये मोबाइल है ऑन सेट की और दूसरा हम लोगों का इसमें रिंगर प्रॉब्लम आ रही थी तो हम लोगों को लाइन मिल नहीं रही थी तो दूसरी बोर्ड से हम लोगों ने चेक किया कि जो है लाइन इसकी आगे रहा कहाँ से हुई तो इसका पावर उतार कर देखा तो 92 और 93 पे इसकी जो है सप्लाई आ रही थी तो उसके बाद हम लोगों ने चेक करके उसको सॉल्व किया और डायग्राम बनाया। डायग्राम के इसकी वजह से हम लोग को पता चला कि कैसे क्या करना है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। मैंने लाइव मोबाइल से PMIC निकाल के फिर वापस लगा के चालू किया और बाद में MD सर ने हमें डायग्राम बना के मतलब कैसे बनाना है डायग्राम विदाउट डेटा सीट के वो भी बता दिया और उससे हमने ऑडियो सेक्शन भी बनाया। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। पावर आईसी निकाल के रिमोट के फिर लगाया लाइव सेट पे चालू सेट पे फिर लगाया फिर डन हो गया। फिर उसके बाद हमारे देव सर आए जो हमने कि डाटा सीट कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किसका लाइन ट्रेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं सब कुछ बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पावर निकाल के उसका लाइन ट्रेक किया रिंगर ऐसे किया जैसे कि एयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग दो टिप्स को चेक करेंगे और दोनों वैल्यू आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हम लोग देखेंगे लाइन कहाँ ब्रेक है कैसे ब्रेक है फिर उसको हम चेक करेंगे। इसी को नियम को डाटा पावर आईसी के अंदर जो बॉल लगी है बॉल में मुझे चेक करें कहाँ से कनेक्शन जा रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है। ठीक है, थैंक यू ऐसे देने को। आज हमने सुबह 4G हैंडसेट से PMIC निकल के हम रेडी हैंडसेट से हम फिर फिर हम मोबाइल को रेडी कर दिया और हमने फिर रिंगर इसी को मैंने दो लाइन चेस किया है वो ड्रॉप था। हमने फिर डायग्राम निकल के P8937 IC को निकल के फिर इसका पेज चेक किया फिर हम जंपर मार के वो लाइन को क्लियर कर दिया। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू MD सर। सबसे पहले सुबह की क्लास में जो हमारे देव सर ने थ्योरी में बताया आज सारी आईसीओ के बारे में जाना जो कि एक मोबाइल PCB पर जितनी सारी आईसीओ होती है आज सभी के बारे में उनकी आइडेंटिफाई हमने
रिकवर की। अब हम बड़े आराम से 10 सेकंड 5 सेकंड में केबल बोर्ड देखते ही बता सकते हैं ये कौन सी आईसी है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मीडियाटेक का सीपीयू है, इसका नंबर ये है, आप बाकी आईसी बता दो तो बता सकते हैं। जी सर बता सकते हैं। अभी ये बता सकते हैं क्या? यस सर, नंबर देख के बता सकते हैं सर। नंबर देख के बता सकते हैं। यस सर। और उसके बाद प्रैक्टिकल की क्लास में हमने पावर आईसी निकाल कर दोबारा उसको लगाया जो कि हमने कॉन्सेप्ट चालू किया, और साथ ही साथ हमने स्पीकर के एक माइक्रो जम्परिंग जो यानी आईसी से जो पैड निकालते हैं वहां से हमने उसकी लाइन जो रिकवर की। तो आपका अगर स्पीकर की लाइन नहीं आ रही थी वो आपकी 94 पे थी, वो वहां से जीआर नहीं आ रहा तो आप बना सकते हो, आईसी को पढ़ सकते हो, आईसी को पढ़ सकते हैं। आईसी को पढ़ना किस किस को आया? यस सर। प्रूफ है आपके पास? यस सर। डायग्राम है आपके पास? यस सर। डायग्राम कौन बनाता है? हम आप बनाते हो? यस सर। मैंने दूसरे का डायग्राम देखते थे, आप क्या कर रहे हैं? आप सर खुद का डायग्राम बना रहे हैं? यस सर। ये सब हुआ सर एशिया टेलीकॉम टीम से और हमारे देव सर से और हमारे जो एमडी सर हैं उनके बताए अनुसार हमें जो भी करते चले जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हमें अब तक दो दिन तीन दिन की क्लास, जो आज तीसरा दिन है क्लास का, और अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद ये इस क्षेत्र में कभी हम जीवन में जो नहीं कर पाते वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी को, ज्यादा से ज्यादा जो मोबाइल क्षेत्र में आना चाह रहे हैं आज के युवा वर्ग के लोग, वो ज्यादा से ज्यादा एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं आज सुबह आया था जो चालू सेट से पावर आईसी उठा के फिर से उसको रिपोर्ट करके फिर से वो सेट को चालू किया था, उसका बाद देव सर तुक्के में काम हो गया सर, तुक्के में हो गया था। आप मतलब तुक्के में हुआ क्या? मतलब ऐसा की गलती से? नहीं नहीं नहीं, गलती से नहीं सर, पूरा प्रॉपर ट्रिक से ही हुआ है सर। आप जैसा ट्रिक्स बताए उसी ट्रिक्स का हिसाब से ही किया है काम, उसी हिसाब से एक ही बार में काम हो गया था। कल क्या करने वाले सर? हम लोगों का ईएमसी और सीपीयू का लाइव मोबाइल चालू फोन से क्या करोगे? उठा के रिपोर्ट करके फिर उसको बैठना है। तो एशिया टेलीकॉम बोलता है कि तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू, तो होता है कि नहीं होता है? यस सर। कोई तुक्के वाला काम तो नहीं होता है? गलती से लग गया? नहीं सर। गलती से लग गया? नहीं सर। और बताइए मेरे को, जो आपकी कंपोनेंट की क्लास चली है, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट किस किसका क्लियर है? यस सर। सबका क्लियर है? यस सर। अच्छा से समझाया पूरा सबको दिमाग में? अच्छा, जो आज आपकी देव सर के साथ क्लास थी मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, जो देव सर के साथ आपकी क्लास थी, अब ऐसा कंटेंट किसी ने सोचा भी था क्या? नहीं सर। बताइए मेरे को, ये कोई सब्जेक्ट था क्या? नहीं सर। मतलब कोई सेक्शन था जिसको पढ़ाया आपको? नहीं सर। ये क्या दिया है उन्होंने? सिर्फ आईसी के बारे में पूरा नॉलेज दिया है। ये कौन दे सकता है? सर ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ दिया, आपको निचोड़ दिया है, आपको एक गाइडलाइन दी है कि भाई तेरे पास तू याला बोर्ड उठाएगा कोई भी मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। ये चीज जानकारी कोई मिलेगी मिलेगी सर, ये आपको दुनिया में ना तो किसी इंस्टीट्यूट में मिल सकता है, ना अगर इंडिया से बाहर जाते हो तो वहाँ मिल सकता है। तो भाई एक बार देव सर के लिए तहे दिल से। सर हम हमारे चेहरे इसीलिए खुश है टीचर से, हम लोगों से ज्यादा तो जो जोश टीचर से है, तो हम लोग का जोश मिलता है टीचर से ही जोश मिलता है हम लोगों को। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। मैं नोएल दास हूँ, वेस्ट बंगाल। आपकी उम्र क्या है? 18 साल। 18 साल की उम्र में कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए, तो 18 साल की उम्र में आज आपने क्या किया? आज लाइफ सेट में पावर आईसी निकाल के दोबारा लगाया। क्या पहले इसके पहले ये काम करते थे? नहीं सर। नहीं करते थे? आपने ऑन किया? ऑन किया। एक बार किया कि दो बार किया? दो बार किया। सक्सेस हुआ आपका? सक्सेस हुआ। चलिए, और उसके बाद आपकी देव सर के साथ आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास थी। ओ, आईसी देख के मैं बता दूँ क्या क्या लगा हुआ है, नेटवर्क आईसी क्या है, वाईफाई आईसी क्या है, सीपीयू देख के बता सकता हूँ। सीपीयू देख के बता सकते हो? अच्छा, आप आईसीयू को पढ़ना है आपको? यस सर। आज आपने डायग्राम भी बनाया? हाँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पेड वर्क है? जी सर। ऑल द बेस्ट। उड़ीसा से हूँ जी, और आज हम सुबह आए हैं 8 बजे से, आज तीसरा दिन का क्लास था। देखो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमको कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा फील कर रहे हो, हमको काम की बात बोलो। काम की बात? यस सर। कि होता क्या है एशिया टेलीकॉम? यस सर। बताइए मेरे को, आज तीसरा दिन का क्लास था और आज हमने जो पावर आईसी ऑन बोर्ड से, मेरा ये जो फोन है वो पूरा ऑन है,
और मैं इसका यूज करता हूँ इस फोन से मैं। अच्छा, इसी फोन को यूज करते हैं आप? इसमें सिम डली है? इसमें सिम नहीं है अभी। हाँ। इसको मैं ऑन करता हूँ। आप एक अल्टरनेट नंबर रख के आप इसको चलाते हैं सर? इसको तो आपको आपको तो डर तो लगा होगा कि भैया तीसरा दिन है और पावर निकाल लूंगा, मेरा सेट डेड हो जाएगा। जी सर, डर तो था, लेकिन जो एमडी सर ने बताया, तरीका बताया उसका, कैसे निकलना है, कैसे रिबल करना है और कैसे लगाना है, किसे वो जो आईसी कैसे लगाना है, वो तरीका समझाया मैंने। उसके बाद उसमें से आईसी निकला और फिर से उसको उसमें मैं रिबल करके उसमें फिर से बैठा है, ठीक किया। उसके बाद मेरा फोन ऑन हो चुका है, जैसा कि मिरेकल लग रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं किया था, जैसे लग रहा है कि मिरेकल हुआ है मेरे साथ, कि सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है, सभी स्टूडेंट से अच्छी तरीके से किया है। और उसके बाद हमारा जो देव सर से हमारा जो क्लास था, वो आईसी का पीसीबी में कैसे हम ढूंढते हैं और पहचान कैसे करते हैं, कर लेते हैं उसके बारे में, और बड़ी अच्छी तरीके से सर ने समझाया पूरा डीपली, कैसे कैसे हम बिना डायरेक्ट पीसीबी के देख के कैसे सभी आईसी को पहचान लेते हैं, उसके बारे में पूरा से नॉलेज दिया। और पहले कभी ऐसे कई कंटेंट, ऐसे कई क्लास, कई यूट्यूब पर कई बार नहीं मिल सकता है, अगर मिल सकता है तो एशिया टेलीकॉम में ही मिल सकता है, और इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। आईसी का जो आईसी उठाने के बाद जो पैड सेक्शन है, उसका पैड लाइन होता है, उसको हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे उसका कैसे उसको गिन सकते हैं, उसका जो डायग्राम कैसे हम खुद से बना सकते हैं, उसने हमने समझाया और हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया इसको, ड्राइंग भी किया। हाँ, इसको बाद हमने जो ट्रेस भी किया है और कैसे ट्रेस करता है आईसी का पैडलाइन से, कैसे ट्रेस किया जाता है, उसमें हमने सभी लोग ट्रेस किया है, और इसलिए थैंक यू एशिया टेलीकॉम और थैंक यू एमडी सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू। सर मेरा नाम गर्व है, मैं रांची झारखंड से हूँ। गर्व, आपके पापा मम्मी भी ये आपको लाइव देख रहे होंगे, क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? सर अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा है, आज थर्ड दिन था और मैंने आज तक कभी किसी फोन का कोई काम ही नहीं किया है, मैंने कभी फोन को ओपन नहीं किया, और तीसरा दिन में आज मैं फोन ओपन किया हूँ, लाइव सेट का आईसी निकाल, पावर आईसी निकाल दीजिए, उसका रिवॉल्विंग भी किया हूँ। उसके बाद सर आज आईसी के बारे सर देव सर ने क्लास लिया था, जिसके बारे आईसी आइडेंटिफिकेशन 80% सर मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जी। और उसके बाद सर अभी जो आपका आईसी का पाथवेज रहते हैं सर, उसको भी आइडेंटिफिकेशन और उसका जो रेक्टिफिकेशन है वो एमडी सर ने सिखाया आज, तो वर्थवाइल एक्सपीरियंस हो रहा है सर, और लगता है कि 20 दिन का जो प्रॉमिस है सर एकदम पूरी प्रॉपर वे में सीख के जाऊँगा सर। 20 दिन की क्लास नहीं है हमारी, 3 महीने की क्लास है सर। कितने महीने की? 3 महीने की क्लास है। 20 दिन की क्लास नहीं है हमारी, 20 दिन की क्लास आज तक अभी ऐसे जी। आज मैंने 8 बजे एमडी सर से ट्रिक से पावर आईसी लाइव पावर आईसी मोबाइल से निकाल के फिर वापस बिठा के चालू किया जी। और बाद में अपना देव सर ने भी विदाउट स्कीमेटिक से कैसे आइडेंटिफाई करते आईसी वो भी बताया। तो ये बताइए मेरे को कि आपका 3 दिन का जो एक्सपीरियंस था, जो एशिया टेलीकॉम प्रॉमिस करता है तीसरे दिन पावर और चौथे दिन सीपीयू और आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास में आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि जो कहीं आपने देखा नहीं है, कि न तो क्योंकि आज जो हमने पढ़ाया आपको कोई सेक्शन नहीं, देव सर ने जो पढ़ाया आपको वो कोई सेक्शन नहीं पढ़ाया, सेक्शन पूरा इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, है ना, सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं, पर बाकी ये सेक्शन ही नहीं पढ़ाया आपको। तो डेलीकेटेड डे था आपको आईसीयू के नॉलेज का, तो वो आईसीयू को नॉलेज आपको कैसे लगा? अच्छा, कोई भी ऐसा सर ने जो आपको बताया है तो वो विद प्रैक्टिकल बताया कि नहीं बताया? यस सर, विद प्रैक्टिकल। यस सर, यस सर, कि ऐसा कोई छाप दिया है वो देख लेना। आज मैं तीसरा दिन हुआ आया हुआ, मैं ओम प्रकाश बिहार से हूँ। आज मैं लाइव पावर आईसी निकाल कर MI 4MA से निकाल कर डाला था सुबह। एक बार निकाली होगी तो गलती से लग गई होगी? नहीं सर, 2-3 बार निकाल कर डाली थी सर, मतलब 3 बार निकाल कर डाली थी और तीनों बार सक्सेस हुई थी। यस सर, तीनों बार सक्सेस हुई थी। और जो ट्रिक्स देव सर ने हमें आईसी को पहचान करना बताया है, वो ट्रिक्स शायद कोई टीचर नहीं दे सकता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोई भी मुंबई हो, कहीं भी हो, वो ट्रिक शायद दे नहीं सकता है। शायद सर मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं अपने लाइफ में से कह रहा हूँ, देव सर ने कुछ अपनी ही टेक्निकल से ही बनाया होगा उस ट्रिक को। ठीक है सर, सही बोल। और सर ने
बुक भी लिखा होगा चाहे कुछ भी लिखा होगा, लेकिन ट्रिक अपने हिसाब से ही बनाया, वो हिसाब से जो सारे बच्चों को माइंड में, मेरे माइंड में भी, सब किसी को माइंड में बैठा है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ देव सर को, एमडी सर को, जो एमडी सर प्रैक्टिकल हिसाब से जो बताते हैं हमें आईसी का तरीका, चाहे हीटिंग लोडिंग जो भी हो, जो तरीका सिखाते हैं वो तरीका कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है, चाहे कोई यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम चाहे नेट गूगल पर कहीं भी नहीं मिलेगा, वो एशिया टेलीकॉम ही देती है। शायद एशिया टेलीकॉम अपना खुद का एक ट्रिक बनाती है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी 8 बजे से क्लास थी, आज हमने सुबह लाइव MI का हैंडसेट से पावर ऐसे निकाल के फिर रिवॉल्व करके हमने किया और वो सक्सेसफुली डन हुआ। हमको यकीन नहीं था, आज तक हमने कभी लाइव चालू फोन से IC नहीं निकाला था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम सक्सेस हुआ, वो भी एशिया टेलीकॉम की वजह से, क्योंकि यहाँ की जो ट्रिक है, यहाँ का जो बताने का तरीका है वो एकदम अलग है, ना हम उसे यूट्यूब में देख सकते हैं ना कोई हमें बता सकता है। फिर हमारी दोपहर में क्लास थी कंपोनेंट और IC की पहचान कैसे करना है, और उसे सर ने एक एक करके चेक किया और हमें बताया CPU कहाँ होता है, RAM कहाँ होता है। सर ने कुछ भी हाइट नहीं रखा, जो है सब सर ने हमको IC के पहचान और PCB देखने का एकदम नजरिया ही बदल दिया है। अब हमारे पास कोई भी PCB आएगा हम बता सकते हैं कि कॉइल कहाँ पे, ऑल द कंपोनेंट कहाँ पे कैसे लगे हैं और कैसे काम करते हैं। फिर हमारी शाम को क्लास थी MD सर के साथ, हमने प्रैक्टिकल किया, बहुत अच्छा डे वो, हमने उसे डायग्राम में बनाया और उसे ट्रेस किया कि कैसी लाइन कहाँ पे जाती है और कौन सी लाइन कैसे वर्क करती है। मैं एशिया टेलीकॉम को थैंक यू बोलूंगा सर, देव सर को, MD सर को भी थैंक यू बोलूंगा सर। जी आज सर मेरा यहाँ पे तीसरा दिन था, जो कि मैंने आज आनसेट से पावर IC को निकाल करके उसे दोबारा रिवॉल्व करके फिर लगाया, जिससे मेरा सेट ऑन ही रहा। आज फिर दोपहर में मेरा क्लास देव सर के साथ था कि PCB में CPU IC को देख करके हर एक IC को कैसे पहचान सकते हैं, क्या क्या लगा होता है, हर IC को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं उसे CPU को देख करके। आप जब क्लास ले रहे थे देव सर के साथ, तो आपको विश्वास हो रहा था कि क्या मैं मतलब इतनी PCB का भंडार है अपने पास? हाँ, PCB का भंडार है क्या? मैं मतलब लोअर से लोअर और हाई से हाई PCB को कंपेयर कर रहा हूँ मैं? हाँ सर, यहाँ मतलब हमें जो सर बता रहे थे उसका प्रैक्टिकल भी दे रहे थे, आपको प्रूफ दे रहे थे? हाँ सर, यहाँ पे हमें लेटेस्ट लेटेस्ट PCB भी देखने को मिल रहा है। सर की क्लास में कोई कॉपी पेन का काम है क्या? नो सर, ये ऐतिहासिक चीज है। यस सर, क्लास में कॉपी पेन का कोई मैटर नहीं है। यस सर, है ना, वो नॉलेज होता है पूरा दिमाग में जाता है, दिमाग में जाने के बाद में आपके काय में रहता है? जेब में, आपके जेब में रहता है। वो जेब में कैसे रहता है वो सिर्फ एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट ही समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। यहाँ पे हमें इस तरीके से बताया जाता है कि हमें कापी कलम का भी जरूरत नहीं पड़ता, उसी से माइंड में ही हमें मेमोरी में आ जाती है, याद आ जाता है कि कैसे क्या है। एक IC को PCB के मेन IC CPU को देख करके हम किसी भी मोबाइल में बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी IC लगी होगी, कौन सी पावर IC होगी, कौन सा रिंगर IC होगा, कौन सा ऑडियो IC होगा, कौन सा RF होगा। हम किसी भी सेट को देख कौन से RF का कौन सा ब्रांड होगा, कौन से RF का कौन सा ब्रांड होगा, ब्रांड तक का नॉलेज है हमको। यस सर, ब्रॉडकॉम लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, अगर MTK है तो उसमें कौन सा IC लगा होगा, कॉम्बिनेशन का कौन सा लगा होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, क्वालकॉम होगा तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, स्पेक्ट्रम होगा तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। मतलब हम एक एक CPU को देख करके जो तरीके वाला काम था। हाँ सर, हमने काम तो बहुत समय, हमें इस फील्ड में करीब 8-10 साल हो गया, लेकिन इस तरीके से हमें डीपली नॉलेज अभी तक नहीं था। यहाँ पे आने के बाद 3 दिन में ही हमें इतना सारा जानकारी मिल गया कि हम क्या जाने 2 साल पहले मिलता तो सर, तब तो हम आज कहाँ पे होते ही हम बता ही नहीं सकते सर। और फिर आज हमने शाम के समय में किसी भी पावर IC के नीचे जो पैड लाइन होती है, अगर मिसिंग हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, किस तरीके से ट्रेस करते हैं, उसके बारे में आज हमने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम खोला था तुमने? नो सर, डायग्राम खोल के देखा क्या आपने? नो सर, है ना, नो सर, जेब का इस्तेमाल करा ना आप सर, हमने हमने किसी प्रकार का कोई डायग्राम खोला क्या? नो सर। और आज हम नए तरीके से डायग्राम बनाना भी सीख गया कि अगर कोई IC है तो उसको किस तरीके से डायग्राम उसका हम अपने से बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या लाइन कहां से कैसे गया हुआ। नमस्ते सर, आज हम सुबह 8 बजे थोड़ा सा अपना परिचय दो, आपका नाम क्या, कहां से रहते हैं? यू बिगे मुझे भंडारा जिले से। अच्छा, आपकी लैंग्वेज तो ऐसी लगती है कि हरियाणा से हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर, आपकी बातचीत पूरी हरियाणा जैसी लगती है। यस सर,
तो आज हम सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट में आए थे जी। आने के बाद में एमडी सर ने हमको लाइव फोन से सीपीयू निकाल के दोबारा लगाना सिखाया है, पावर आईसी हमने चालू फोन से निकाला है जी। और उसको दोबारा रिवॉल्व करके जस्ट लगा उसको वापस पेस्ट किया, वैसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में हमारा फोन ऑन हो गया। उसके बाद में देव सर के साथ में क्लास थी, उन्होंने आईसीओ की सारी पहचान बताई, टोटल आईसी जितने भी सी होती है। अब हम उसको देख के 10 ही मिनट में के अंदर अंदर सभी आईसी को बता सकते हैं कौन सी आईसी कहाँ पे लगी है। उसके बाद में हमारे फिर एमडी सर के साथ प्रैक्टिकल हुआ जी। उन आईसीओ की पहचान हुई, उनके नीचे का अगर रिवॉल कोई भी जम्पर या मिस हो जाता है उसके सब उसको प्रेजेंट करना सीखा है, पैड बना सकते हैं खुद भी सब चीज। थैंक यू एसेट वालों। सर आज अभी जैसा कि समय हम देखना चाहेंगे, हम सुबह 7 बजे सर यहाँ आए हुए हैं, समय को हाईलाइट करता हूँ मैं। और सर अभी समय 9 बजे हैं और हम अभी इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, जाने की तैयारी है। कोई भी इंस्टीट्यूट सर ऐसा नहीं है जो हमें इतना समय देता हो, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा जो 4 घंटे अबव समय देता है। ऐसे टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चे को पूरा ध्यान देता है, टीचर पूरे दिन पे लगे रहते हैं एक एक चीज को समझाने, जब तक कोई भी स्टूडेंट पूरे समझ ना जाए तब तक उन्हें जाने नहीं देते हैं, चाहे रात ही 11 बज जाए। और सर देव सर का क्या ही कहना है, सर उनके पास इतना कंटेंट है खुद का बनाया हुआ, वो तो एक आविष्कारक के रूप में है, तो सर वो हमें इतना कंटेंट देते हैं। अच्छा एशिया टेलीकॉम से पूरा नॉलेज एक महीने में कोई ले जा सकता है? कोई नहीं ले सकता सर है? कोई नहीं ले सकता है। अच्छा सर आपको बुक्स देख के पढ़ाते हैं, डायग्राम देख के पढ़ाते हैं, और हमें पता नहीं न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके नए नए पीसीबी सर वो टूजी से लेकर हमें फ्यूचर में आने वाले रिपीट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई भी क्लास जून में रिपीट नहीं होती है। बहुत बड़ी बात है सर। और हमने आज सर प्रथम कभी हम यूट्यूब देख के ही से बनाया करते थे, हमेशा छोटे छोटे पार्ट यूट्यूब में ही सर्किट निकाल के बनाते थे, आज हमने सर खुद से अपना सर्किट बनाकर और फाइल को फाइंड और रिपेयर करना सिखा है। और हमने एक लाइव चालू फोन को अपने रिस्क में, सर के रिस्क में, उन्होंने बोला कि नहीं आप कर सकते हो, उन्होंने हमें जोश दिलाया, हमने उसमें से अपनी पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगाया और एक ही बार में सक्सेसफुल डन हुआ। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कुमार बिहार से हूँ, आज मेरा तीसरा दिन का क्लास था और मैं आज आईसी की फुली आइडेंटिफिकेशन किया है और मैं अभी से आज से कोई भी बोर्ड में पीसीबी में उसका सीपीयू देखकर बता सकता हूँ कि कौन सा पावर लगा है, कौन सा कोई आईसी है जी सर। और आज मैं आईसी के नीचे का जो पैड लाइन होता है उसका मैं फुली डायग्राम मेरे पास है, और कोई भी पैड अगर मिस हो जाता है तो हम एक जम्पर से उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए पावर लगाए कि नहीं? यस सर, आज मैं ऑन फोन से पावर निकाल के फिर से पावर लगाया और फोन चालू हो गया। फोन चालू हो गया। अच्छा ये प्रोसेस कितनी बार किया आपने? 3 बार किया है। 3 बार किया, सफलता मिली आपको? यस सर। ट्रिक अच्छी थी आपके लिए? यस सर। अभी कोई पावर का मसला होता है तो? नो सर। और कल आसाम से भाई बहुत दूर से आए हो तुम एशिया टेलीकॉम में, तो एशिया टेलीकॉम में 3 दिन का क्लास भी हो चुका है आपका? जी सर। 3 दिन का क्लास भी हो चुका जी है सर। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि 3 दिन का क्या आउटपुट है आपको क्लास का? ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब आसाम में लैंडस्लाइड भी हुआ था, दिक्कतें भी थी, दिक्कत में आए हो, त्यौहार भी था, मुस्लिम में हो आप, त्यौहार छोड़ के आए हो आपने, है ना, आपका पेशन बोलता है ये, तो ये बताइए क्या मिल रहा है आपको? सर यहाँ बहुत कुछ मिला सर, इसलिए तो आया हूँ, एशिया टेलीकॉम को भरोसा करके आया हूँ, और मैं भरोसा जैसे करके आया तो यहाँ इससे भी ज़्यादा मिला सर मुझे। मैं आज सुबह 8 बजे क्लास था, फिर हम 4G हैंडसेट लाइव हैंडसेट को हमने पीएम आईसी को निकाला, फिर पहली बार नहीं हुआ सर, दूसरी बार में पूरा ऑन हो गया, मुझे बहुत खुश हुआ। और दोपहर में सर सर का क्लास का, देव सर का क्लास था, पीसीबी का आईसी और कंपोनेंट का, मैं सर अभी इतना इजीली क्लास था सर, इतना इजीली से समझ दिया सर, समझ गया मैं। सो अगर कोई भी पीसी हो आप कोई हमको पूछेगा तो सब पहचान लूंगा सर। सर मेरा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, पता है आप थोड़ा असम से हो, थ्रू आउट हिंदी बोलने में आपको दिक्कत जाता है जी। हाँ समझ सकते हो उस चीज़ को जी सर।
चलिए ठीक है सर, एशिया टेलीकॉम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और एमपी सर को और देव सर को थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। सर मैं इलाहाबाद से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जमदीन है। आज हम लोग की सुबह 8 बजे से क्लास थी जी। तो हम लोग की टास्क था हम लोग का कि जो है पावर एसी को निकालना है चालू से ऑन सेट से और जो है उसको जो है फिर से लगाना है। तो हम लोग का कॉन्फिडेंस शुरू से रहा है और अभी भी है हम लोग का कॉन्फिडेंस। तो हम लोग का टास्क ये था कि जो है आज हम लोग निकालेंगे और चालू ही करेंगे, फोन चालू करके बिना ही नहीं जाएंगे। तो हम लोग का टास्क वो पूरा हुआ और हम लोग का टास्क अभी कल है सीपीयू और रैम को दोनों चीज़ों को कल निकालेंगे और इंशाल्लाह कल पूरा करेंगे उसको भी। तो एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन चौथे दिन सीपीयू जी जी सर। चौथा दिन होता है क्या? नहीं चौथा दिन नहीं होता, तीसरे दिन बोले तो तीसरे दिन लगा। अच्छा ये बताओ मेरे को कि बताने की कितनी देर बाद आपने आईसी निकाल के लगा दिया था? सर मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में आईसी निकाला पलटा के 10 मिनट लगा था लगाने में। उसके बाद से मैंने 5 बार ट्राई किया, 5-5 मिनट में पावर लगा सर। 5-5 मिनट में पावर लगा। यस सर। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। प्रजापति, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। जी रंजीत। आज सुबह सर मेरा 7:30 से क्लास था सर जी। सुबह आए सर तुम लोग का पहला प्रोसेस था पावर एसी को निकालना और लगाना लाइव सेट पर सर, चालू सेट पर सर। तो हम लोग क्या किया सर, हमारे एमडी सर हमको ट्रिक बताया कैसे लगाया था, कैसे क्या किया था, ठीक है। उसके आधार पर मैं उसको निकाला और चलाया सर। सी फर्स्ट टाइम में सर 10 मिनट का डन हो गया सर, पूरा सेट चालू हो गया सर। तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, लाइफ में कभी हम ऐसा किए नहीं थे, बहुत प्रसन्न हुए सर। फिर उसके बाद मेरे देव सर आए, देव सर आने के बाद हमको आईसी का पहचान बताया सर कि कौन सा बोर्ड में कैसा आईसी रहता है और कौन सा सीपीयू लगाता है, कौन सा रैम लगा है। हम लोग सीपीयू में कौन सा सीपीयू लगा उसको देख के पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा आईसी लगी हुई है, कौन सा आईसी नहीं लगी, कौन सा आईसी कितनी क्या है, कौन सा बैंड का है, सब कुछ बता सकते हैं सर। फिर उसके बाद वही सर शाम को प्रैक्टिकल हुआ सर। प्रैक्टिकल में हम लोग वही आईसीएमई पे की होती है, बाय चांस कोई लाइन अगर मिसिंग हो गई तो उसको ट्रेक करने पता चला कि लाइन मिस है पावर एसी के पैड लाइन से। तो उसको मैं कैसे जम्पर कर सकता हूँ, कैसे उसको लाइन को ट्रेक कर सकता हूँ, ये सब हमारे सर नॉलेज मिला सर। ऐसे थैंक यू और देव सर थैंक यू, हमें भी सर थैंक यू। मेरे सुबह 7:30 बजे क्लास थी, सबसे पहले आया तो मैंने चालू सेट से पावर एसी को निकाला सर। पहले बार में ही डन हो गया, उसके बाद से मैंने 3 बार निकाल कर लगाया, 3 बार में डन हो गया। उसके बाद से मैंने देव सर का क्लास था, हम लोग गए क्लास किए, उसके बाद उसने बताया, सर ने बताया कि आईसीयू कैसे पहचानते हैं, कौन आईसी कैसे लगी होती है, कहाँ लगी होती है, ये सब उनको मालूम है इस समय। और उसको आईसीयू को कैसे पढ़ते हैं, आईसीयू की पाइपलाइन को कैसे पढ़ते हैं, ये भी पता चला। उसके बाद से हम लोग आए और सुबह से ईयर स्पीकर का ट्रैक कैसे खोजते हैं उसको भाई किए, उसके बाद से क्या क्या लगा हुआ सब देखे हैं। आईसी की डाटा पेडलाइन बनाई आपने, आईसी उठा के आईसी की पेडलाइन बनाई सर? कौन से नंबर की पिन पे कौन से कहाँ पे मिल रहा है या मालूम है आपको? ऐसा मालूम है सर, अगर पेडलाइन निकल जाती है तो आप बना सकते हो? सर बना सकते हैं, कौन कहाँ से है, कई हिस्से से है, सब बना सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर आज हमारे एशिया टेलीकॉम में 3rd डे था जी, और उसमें सर हम लोग ने आज अपना रेडमी पैक लाया था मैंने, तो उसमें वो चालू फोन था सर, तो उसमें मैंने पावर एसी लगाई, पावर एसी निकाल के वापस रिवॉल्व करी, उसके बाद वापस लगाई, तो सर सेट मेरा अभी भी चालू ही था। और सर ऐसा मैं पहले सर रिवॉल्विंग तो कर लेता था सर, पर वो एक्चुअली क्या है सर फोन चालू नहीं हो पाते थे मेरे, तो सर आज एमडी सर ने हमें टेक्निक बताई रिवॉल्विंग की और कैसे उसको मतलब हम फिक्स करते हैं, तो सर वो अभी तो आ गया हम लोग रिवॉल्विंग और सर सेट चालू है। और सर उसके बाद हमने अभी दोपहर को देव सर जी के साथ क्लास हुई हमारी, तो उसमें सर हमको नॉलेज मिला कि किसी भी मदरबोर्ड की सीपीयू देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी आईसी जो है उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सी कंपनी की लगी है, वो सारा चीज बता सकते हैं सर। जैसे मीडिया टेक है तो उसमें कौन सा ट्रांसीवर लगा हुआ है, ऑडियो आईसी कौन सी लगी है, वो सब सारा नॉलेज सर आज हमको मिला है। इतना नॉलेज तो मुझे नहीं था सर, मुझे 2 साल हो चुके काम करते हुए जी, बट सर आज मुझे एक दिन में इतना नॉलेज मिला है कि सर मदरबोर्ड को देख के बता सकता हूँ कि कौन सी आईसी कहाँ पर है। आप छत्तीसगढ़ से जबलपुर आए हैं छत्तीसगढ़ से? जी सर। पैसा वेस्ट तो नहीं हुआ सर? सर जो हमारी फीस थी सर वो 3 दिन में रिकवर हो चुकी है सर, मुझे इतना नॉलेज मिल चुका है सर। और जो एशिया टेलीकॉम की जो क्लासेस रहती हैं
सर वो 20 to 25 डेज की नहीं रहती है, ये 3 मंथ की तो रहती है सर। जी सर, सर तो इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू देव सर जी और थैंक यू एमडी सर जी। तो बताइए आपका क्लास कैसा रहा? मुझे मुझे मालूम है कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, फिर भी आज आपका 3 दिन का क्लास हुआ है, तो बताइए आपका। बहुत अच्छा लगा है। मैं आज 4 से MZ से C2 PMIC निकला, धीरे में रिपोर्टिंग कर रहा सेटल हो गया। और अभी जो कंपोनेंट का नॉलेज मिला, सब कंपोनेंट का नॉलेज है आपको? है। और देव सर के साथ आज आपकी आईसी की क्लास थी, आईसी को कैसे पहचानना, आईसी आइडेंटिफिकेशन? बताइए मेरे को, तो वो क्लास कैसी कैसी थी आपको? अच्छा है। देव सर मेरे को देख रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि शुभम ने शुभम रिव्यू में क्यों नहीं देखा। यस सर। हाँ। सर मैं आज सर सबसे पहले आए तो यहाँ पे हम लोग का सीपीयू का रिबॉलिंग हुआ, प्लस दोबारा हम लोग पावर आईसी निकाल के उसको बैठा। अच्छा, ये प्रोसेस कितनी बार करी आज आपने? सर हमने आज कम से कम 5 बार पावर आईसी निकाल के फिर से लगाया। यस सर। अच्छा चलिए, फिर ये तो आपका आईसी का मसला हो गया है ना, आपने आईसी निकाला लगाया और डन हो गया। उसके बाद फिर वो आपकी क्लास देव सर के साथ थी। जी सर। वो देव सर की क्लास में क्या था? सर आज हम लोग देव सर की क्लास में थे, जिन्होंने आज हम लोगों को सर आईसी के जो नीचे लगे होते हैं बॉल्स, सर वो लोग उसकी बॉल्स की रीडिंग और आईसी को पहचानना पकड़ना। सर आईसी को पहचानना और पकड़ना, मतलब कौन सी आईसी कौन किस आईसी क्या नाम है, सारी आईसी की जानकारी हम लोगों को मिली। और सर हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज तक सर हम लोग ये नहीं सोचा था कि आईसी के जो नीचे बॉल लगे होते हैं सर, कि हम लोग की इस बॉल की जानकारी हम लोगों को मिलेगी। लेकिन सर आज हम लोग की देव सर ने ऐसा ट्रिक बताया, ऐसी सर क्या बोलते हैं उसको कि मतलब नॉलेज दी कि हम लोग सर कभी भी कहीं भी रहेंगे और कभी भी किसी भी समय में 10 मिनट के अंदर आईसी को पढ़ के बता देंगे कौन कैसा है सर, किस नाम से है, कौन कहाँ लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर देव सर, थैंक यू सर। इस्माइल का राज तो बताइए आज का, आप आज आपका सवेरे से लेके शाम तक शेड्यूल कैसा रहा? सर स्टार्टिंग में आते से ही वही हमारी सुबह की पावर आईसी जो रह गई थी बंद सेट वाली, वही लगा करके चालू करके दिखाया एक तो, और उसके बाद में देव सर की क्लासेस थी, उन्होंने सारे मदर बोर्डों की एक एक पावर आईसी कौन कौन सी पावर आईसी सारे पावर आईसी की जानकारी थी। मेन ट्रेसिंग का फोकस उनका सबसे ज्यादा रहा था और उन्होंने एक एक चीज रीड करके हमें। अभी शाम के क्लास में भी आपने क्या किया, एक पावर आईसी निकाल के एक चालू सेट में पावर आईसी निकाल करके लगाई, बट उससे पहले वही ट्रेसिंग जो थी क्या बोलते रिंगर वाली थी, वो स्पीकर वाली ट्रेसिंग थी, मतलब उसका मोटिव ये नहीं था कि स्पीकर की ही ट्रेसिंग थी वो, मतलब कोई भी फॉल्ट हुआ अगर उसका अगर फॉल्ट नहीं मिल पाता तो सीधा पावर से कनेक्ट करके उसका। सर नमस्ते, तो वही तुम्हारे चेहरे की खुशी कुछ बता रही है सर, जो आज तक नहीं किया वो आज करने को मिला, नहीं सर जिंदा सेट को मारने की कोशिश करी लेकिन आपने जो सिखाया उसके साथ मरा ही नहीं। बिल्कुल बढ़िया काम हुआ। और आपकी देव सर के साथ क्लास की आईसी आइडेंटिफिकेशन की? सर काफी आईसी के बारे में जानकारी मिली जिनके बारे में आज से पहले कुछ समझ में नहीं आता, मतलब हम एक बोर्ड देख के, अगर मीडिया टेक का बोर्ड अगर आपके हाथ में दे और खाली सीपीयू का नाम बताए तो बाकी आईसी बता सकते हो? बिल्कुल सर, सारी बता दूंगा सर, कौन सी लगी है, कौन सी सब आईसी है उसकी, कौन सी पावर आईसी, कौन सी मेन पावर आईसी, सब कुछ बता दूंगा। यही नॉलेज के लिए आए थे? बिल्कुल सर, यही नॉलेज आए थे। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।